हेलो एवरीवन, वेलकम टू पन्ना आर्ट्स इंडिया। आज हम बनाएंगे ग्लास पेंटिंग। गणेश जी की 3 एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाएंगे। ये होम डेकोर के साथ साथ गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी अच्छी होती हैं, इजी टू मेक और बहुत जल्दी बनती हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक ग्लास शीट चाहिए ग्लास पेंटिंग के लिए। यहाँ मैंने एक ग्लास शीट्स को फ्रेम करवा लिया है, जिसमें बैक में हैंडमेड टेक्सचर्ड शीट है। रेडी फ्रेम्स हैं ये, इन पे डायरेक्ट पेंटिंग कर सकते हैं। बैक पे मैंने इसमें हुक भी लगवा लिया है, सो इट्स टोटली रेडी। आई जस्ट हैव टू मेक द पेंटिंग्स और फिर ये तैयार हो जाएंगे। इनके साथ हमें चाहिए गणेशास के स्केचेस, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं आउटलाइन के हिसाब से। साथ में चाहिए कार्बन पेपर, ब्लैक कार्बन पेपर। कलर के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट बेस्ड ग्लास कलर लिया है, रूबी रेड कलर है। आप कोई और कलर भी ले सकते हैं ऑफ योर चॉइस। साथ में आपको चाहिए ग्लास लाइनर, यहाँ पे मैंने ब्लैक ग्लास लाइनर लिया है, दैट इज वाटर बेस्ड। करेक्शंस के लिए आपको ईयरबड्स और टूथपिक, जैसे कि हमेशा लगता है, वो चाहिए। ऐसे मैंने 3 रेडी फ्रेम्स लिए हैं 3 पेंटिंग्स के लिए। ट्रेसिंग के लिए हमें डिजाइन को टेप से सिक्योर करना होगा ताकि वो हिले नहीं, और नीचे ब्लैक कार्बन इंसर्ट करना होगा। पेंसिल से बहुत ही प्रेशर के साथ हमें डिजाइन को ट्रेस करना है। ट्रेसिंग के बाद अब हम लाइनर वर्क करेंगे। लाइनर के लिए हमें एक साइड से स्टार्ट करना होगा। मुझे ये ऊपर से करना है तो मैं उसे टिल्ट करके कर रही हूँ, ताकि मेरा जो ट्रेसिंग लाइंस है वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइड। लाइनर को सबसे पहले सरफेस से टच करना है और धीरे धीरे आगे की ओर लेते जाना है। फिर सरफेस से टच तभी करना है जब वो ख़त्म होगा। फिर हम सरफेस से टच करके फिर उसको ऊपर उठा लेंगे और मेहंदी के कोन की तरफ उसे यूज़ करेंगे। लाइनर वर्क करते हुए अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है, दैट कुड बी ईजली करेक्टेड। ग्लास पेंटिंग में यही सबसे अच्छी बात है कि करेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। लाइनर वर्क कंप्लीट होने के बाद हमें अपनी पेंटिंग को 24 आवर्स के लिए छोड़ना होगा। 24 आवर्स का इसका ड्राइंग टाइम है और उसके बाद ही हमें इसमें
कलर अप्लाई करना होगा। अब हम एक्स्ट्रा ट्रेसिंग लाइंस जो हैं उसे हम रिमूव करेंगे और पेंटिंग को क्लीन करेंगे, क्योंकि अब हम इसको कलर करेंगे। अब हम कलर करेंगे। कलर हम एक साइड से फिल करना स्टार्ट करेंगे। नोजल को हमें सरफेस से एकदम टच करते हुए ही कलर फिल करना है। नोजल जैसे ही सरफेस से ऊपर उठेगा उसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब भी हम उसे करेंगे कलर अप्लाई, तो हमें कलर का जो नोजल है बॉटल का उसे सरफेस से टच करते हुए ही अप्लाई करना है। और ऐसे ही हमें पूरी पेंटिंग में कलर फिल करना है। अगर बबल आ भी जाता है तो घबराने की बात नहीं, हम उसे टूथपिक या ईयरबड से धीरे से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मैंने कलर भरा है, बबल आ गया, अब मैं उसे ईयरबड से रिमूव कर रही हूँ। नोजल को भी क्लीन करते हुए हमें काम करना है। कलर फिल हो जाने के बाद हमें अपनी पेंटिंग को एक दिन के लिए छोड़ना होगा। 24 घंटे लगते हैं कलर को ड्राई होने में पूरी तरह से। हमारी पेंटिंग अब कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमें बाकी दो पेंटिंग्स भी कंप्लीट करनी। तो देखा आपने कितना इजी है बनाना, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे के होम डेकोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।